Hey guys, Assalamualaikum. This is Rubia Sajid. Welcomes you back to my channel, My Passion for Cooking. Guys, आज हम बनाने वाले हैं मटन बिरयानी. This is in completely different style, guys. अगर आपने ली अरेबियन रेस्टोरेंट की बिरयानी ट्राई की है तो this is similar in taste. नहीं ट्राई की है तो इस बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा. So, let's begin. सो बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा वेजल और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप उतना ऑयल. तेल गरम होते साथ हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले जैसे कि स्टार अनिस यानी कि चक्रफूल 1, दालचीनी 1, लौंग 2, इलायची 2 और तेजपत्ता 2. फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई 4. ये मैंने बहुत ह्यूज साइज की प्याज ली है और हम इसे अच्छे से भून लेंगे. गाइस, पहले हम प्याज को अच्छे से तल लेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और फिर हम इसे हल्की पिंकिश ब्राउन करेंगे और फिर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे. तो ये देखिए गाइस, हमारी प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई है. तो अब मैं इसमें हाफ क्वांटिटी उतनी प्याज उठाकर अलग रख लूँगी ताकि हम दम के वक्त इसे यूज़ करें एंड गार्निशिंग में भी ये हेल्प करेगी हमें. और जो ये बची हुई प्याज है उसको चाहे तो आप हल्का सा और गोल्डन कर सकते हो या फिर आप इसी के साथ ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून उतना जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लीजिएगा. इसके साथ साथ हमारी प्याज भी हल्की सी कल्डी हो ही जाएगी. फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटन. ये है 1.25 kg उतना मटन जिसे मैंने क्लीन वॉश कर रख लिया है यहाँ पर. इसको हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे. और नेक्स्ट इसमें मसाले जाएंगे जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, सब है 1 टेबलस्पून. इसको भी आप गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और अच्छे से पका लीजिएगा. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ी साइज के कटे हुए बारीक बारीक टमाटर. यस गाइस, और इसे भी अच्छे से पका लीजिएगा. फिर इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 1/2 कप उतना पानी और अब हम इसे यहाँ पर लिड लगाकर पका लेंगे. यस गाइस, ताकि हमारा मटन अच्छे से गल जाए. और जब तक हमारा मटन गल रहा है हम क्या करेंगे कि एक स्पेशल बिरयानी मसाला बना लेंगे जिसके लिए हमें चाहिए होगा खसखस 1 टीस्पून, इलायची 3, लौंग 3, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 स्टार एनिस के टुकड़े यानी कि चक्रफूल के 2 टुकड़े और सूखी मिर्च यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 से 5. मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काजू लिए हैं यहाँ पर 10 से 12, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून. इसको हम अच्छे से पीस लेंगे गाइस. जैसे कि हमने इसमें काजू शामिल किया है तो ये सॉफ्ट सा पीस कर रेडी हो जाता है. देखिए बिल्कुल ऐसे. ऑन अदर हैंड गाइस, हमारा मटन बिल्कुल गलकर तैयार है. ये देखिए गाइस, अच्छे से ये पक गया है. देखिए तो कितनी अच्छी तरीके से ये गल गया है. तो अब हम यहाँ पर पीसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे गाइस और फिर इसमें जाएगा 3/4 कप उतना दही, पुदीना जाएगा इसमें हैंडफुल उतना, हरा धनिया जाएगा इसमें हैंडफुल उतना और हल्का सा नमक की कमी लगी मुझे तो मैं 1 टीस्पून उतना नमक इसमें ऐड कर रही हूँ. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट नींबू. यस गाइस, 1/2 लेमन इसमें मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है. और फिर जल्दी से मिक्स कीजिएगा और इसे ढककर सिम फ्लेम पर यानी कि लो टू लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिएगा ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स. तब तक गाइस हम चावलों को पकाने की तैयारी करते हैं. यहाँ पर एक बड़े से वेजल में हमने 5 से 6 जग उतना पानी ऐड कर दिया है और इसे ढककर रख दिया था ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए. तो ये देखिए गाइस, हमारे पानी में उबाल आ गया है. तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून उतना ऑयल. नेक्स्ट इसमें जाएगा नमक, 4 से 5 टीस्पून उतना जाएगा. पानी के हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा ना कि चावलों के हिसाब से, सो याद रखिएगा गाइस. और फिर इसमें जाएगा 1/2 नींबू का छिलका जिससे हमारे चावलों में हल्की सी खटास भी हो और ये टूटेंगे भी नहीं. फिर 1 मुट्ठी भर उतना इसमें जाएगा पुदीना
और ये देखिए गाइस, हमने इसमें ऐड कर दिया है 750 ग्राम्स यानी कि पौना केजी उतना चावल। यस गाइस, ये मेरे नॉर्मल रेगुलर चावल हैं जिसको मैं इस तरह से पानी में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जानना है ये कौन से ब्रांड के चावल हैं, दीज आर केसर कली गाइस। तो मैंने यहाँ पर पौना केजी उतना मटन के लिए पौना केजी उतने ही चावल रखे हैं, आप चाहिए तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम इसे हल्का सा पकने देंगे और इसे टेस्ट कर लेंगे गाइस। देखिए बिल्कुल ऐसे जब हमारा चावल दो में इस तरह से हल्का सा टूट जाए तो यस इट्स टाइम टू स्ट्रेन। चावलों को जल्दी से छान लीजिएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल उसी वेजल को हमने खाली कर लिया है और सबसे नीचे हम ऐड करेंगे हमारी मटन की अखनी और फिर इस पर जाएगा हमारा ये गोल्डन किया हुआ प्याज जो हमने पहले उठाकर रखा था। आप इस तरह से प्याज को लेयरिंग में ऐड कर दीजिएगा और फिर हम इस पर ऐड कर देंगे हमारे चावल और हल्के हाथ से आप इसे स्प्रेड कर लीजिएगा। एंड अगेन हम इस पर ऐड कर देंगे हल्के से हमारे ये गोल्डन अनियंस और इसे ढक कर दम के लिए रख दीजिएगा गाइस। तो हमने यहाँ पर इसे 10 टू 12 मिनट्स के लिए दम पर छोड़ दिया था और ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसमें स्टीम निकल रही है। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इससे प्लेन राइस वाला जो हिस्सा है पहले हटाकर अलग कर लिया था। अब इसे हल्का हल्का सा हाथों से मिक्स इस तरह से कर लीजिएगा एंड दैट्स इट गाइस। ये देखिए हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप ये बिरयानी अपने घरों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।